हेलो एवरीवन, आज यू नो वी विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी राइट नाउ। सो हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मैंने पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको अगर चाहिए, तो आप बुक से देख सकते हैं। कौन सी बुक से मैंने लिया है ये है आपके दीपक बड़कर की बुक से लिया है। ठीक है, दीपक बड़कर की बुक से मैंने कंटेंट लिए हैं, सिर्फ इसकी हेडिंग लिए हैं और एक्सप्लेनेशन आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका लेसर रेंज। देखिए, इसकी जो रेंज है तो उतनी ज़्यादा अमाउंट या जितना ज़्यादा कवर नहीं होता है। अभी मैंने एडवांटेज बताया था आपको, तो इसमें वाइडर बताया था, तो वाइडर का मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक तो ठीक है, पर्टिकुलर एक एरिया तक कवर करता है, लेकिन ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस अगर हो गई तो फिर उतना कवर नहीं कर पाता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि वहाँ पर मैंने कुछ और बताया यहाँ पर। तो लेसर रेंज का मतलब क्या है कि इसकी रेंज जो है लेस होती है। ओके, सिक्योरिटी इशूज़, नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशूज। देखिए, सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में होता क्या है कि आजकल बहुत सारे हैकर्स हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में बताया था कि जब दो टावर के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता रहता है, तो बीच में एक कैंडिडेट दोनों के सिग्नल को चोरी करता है, जिसको हम ईवस्ड्रॉपिंग कहते हैं। ईवस्ड्रॉपिंग मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, आपके डेटा जो है सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। ओके, देन रिलायबिलिटी, जाहिर सी बात है कि जब डेटा सुरक्षित ही नहीं रहेगा या कोई हैक कर लेगा, तो उस पर भरोसा करना आसान नहीं रहेगा। तो रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, भरोसा कम हो जाता है। और लेस स्पीड क्या है कि जब बहुत ज़्यादा यूजर बढ़ जाते हैं और इसका ज़्यादा मात्रा में यूज होने लगता है, तो इसका स्पीड क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बुक उठाएँ और बुक में जा कर के उसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।